बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती को मनाई गई। इस अवसर पर शहर के सिद्धार्थ नगर स्थित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा, भाजपा नेता हिसाबी राय सुशील साहा, अनुग्राहित प्रसाद साहा, मनोरमा देवी सहित गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण किया। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। 80 साल बाद इसी दिन बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यह तीनों एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए थे, इसलिए बौद्ध धर्म में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही उन्होंने लोगों से गौतम बुद्ध के बताए मार्गों पर चलने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि मानव कल्याण के लिए सत्य की खोज में राजभवन के वैभव को त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए और आज ही के दिन दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। इन्हीं के द्वारा दिए गए विचार के आधार पर बौद्ध धर्म बना। आज विश्व अनेक देशों में बौद्ध धर्म के अनेक अनुयायी हैं। गौतम बुद्ध ने मानव मात्र के लिए अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।